आज हम एजेंट सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जम्मू श्रीनगर डिवीज़न के सारे अभिकर्ता आ चुके हैं। अभिकर्ताओं की साल भर का काम करने के बाद उनकी जो डिमांड्स रहती है सरकार के पास और निगम के पास, वो सब हम लोग चर्चा करते हैं दिन भर यहाँ पे, और यहाँ से जो पूरा लिस्ट निकलता है वो हमारे सेंट्रल ऑफिस में जाता है LIC के पास। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि एजेंटों का ग्रेच्युटी और ये टर्म इंश्योरेंस 4 साल से पड़ा है, सरकार के पास पड़ा है, लेकिन उसका अभी कोई मसला हल नहीं हुआ है। फिर भी देखिए, कोरोना काल में LIC का बीमा सबसे ज़्यादा हुआ है देश भर में। अभी भी हमारे जो मार्केट शेयर है बहुत ही अच्छे हैं और सबसे आगे हैं। हम लोग इस कोरोना काल में भी सबसे अच्छा बीमा किया है, और इसके चलते क्या हुआ है, हमारा अभिकर्ता को जो तकलीफ हुआ है उसके लिए हमारा LIC तो हेल्प किया है और सबको एडवांस भी दिया, लेकिन हमारे बहुत सारे डिमांड जो कई सालों से बाकी है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारा ग्रुप इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जो 70 साल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अभी तक हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दे पाए, उसका मेडिक्लेम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए मेडिक्लेम ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाने की मांग है, हमारे टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने की मांग है, बहुत सारे मांग लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग LIC को और हमारे सरकार को बताएंगे। और साथ साथ में पॉलिस होल्डर के बोनस कई सालों से बढ़ नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी कारण है कि मार्केट की जो हालत है, मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। इंटरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं रोज़ रोज़। पॉलिस होल्डर का लोन का इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए और पॉलिस होल्डर का बोनस भी बढ़ना चाहिए, वो भी हमारे डिमांड में से एक है जो आज हम चर्चा करेंगे। और हाल ही में एक चीज़ हुआ है कि सरकार ने ये आदेश दिया है LIC को कि जो पॉलिसी बॉन्ड है वो बीमा धारक को सीधा पोस्ट ऑफिस से जाएगा। इसके खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए कि देखिए जो पोस्ट ऑफिस का जो सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, बहुत बुरी सर्विस है। वो क्या करते हैं, कभी पॉलिसी बॉन्ड रास्ते में भी पड़ा हुआ दिखाई दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि LIC का जो सिस्टम जो है, जो अभिकर्ता खुद जाकर पॉलिसी होल्डर को तुरंत दे देते हैं पॉलिसी बॉन्ड जिस दिन इश्यू होता है एक दिन के अंदर पॉलिसी धारक को हम लोग जाके सीधा घर पहुंचाते हैं, पॉलिसी होल्डर खुश भी होते हैं और उससे सर्विस भी हमें मिलते हैं, नई पॉलिसी की भी हमें रेफरेंस भी मिलता है इसके कारण कि सर्विस अच्छा हो। लेकिन अभी सरकार ने यह आदेश दिया LIC को कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोग पोस्ट ऑफिस से द्वारा वो पहुँचाइए। तो उसमें क्या होगा, पोस्ट ऑफिस से होगा तो ठीक है, लेकिन LIC का प्रिंट अगर पोस्ट ऑफिस करेगा तो पोस्ट ऑफिस के पास डेटा रह जाते हैं, तो उसमें ये शंका है कि आने वाले दिन में वो डेटा से पोस्ट ऑफिस वाले ही अपना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू कर देगा। और हाल ही में हम लोग देखा है कि पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट भी देना शुरू कर दिया, तो इसे हम लोग को शंका है, ये डाउट है कि हो सकता है आने वाले दिन में पोस्ट ऑफिस का फ़ायदा हो जाएगा, LIC का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी हमने चेयरमैन से बात किया है, हमारे चेयरमैन साहब MR कुमार साहब ने आश्वासन दिया है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये शुरुआत है, हम लोग देखेंगे, अगर ये ठीक ठाक नहीं चलेगा तो जरूर फिर से हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे। तो हमें आशा है कि आने वाले दिन में पोस्टल से फिर से हम लोग अभिकर्ता पॉलिसी बॉन्ड देने में सक्षम होगा। हम वैली के लिए इसलिए थोड़ी सी आवाज़ यहाँ अपनी बुलंद करने आए हैं, हमारे SDM सर इधर हैं, हम इनको बोलते हैं कि हमारा जो वहाँ काम काज का जो तरीका है, इस वक्त सर्दी बहुत है वहाँ, और उनको जो हमारे एजेंट्स को हैं उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि पॉलिसी बॉन्ड्स पोस्ट जाते हैं, वो जब पोस्ट चले जाते हैं क्लाइंट्स को मिलते नहीं हैं बराबर, उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ शिकायतें आ रही हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो थ्रू एजेंट ही जाएँ। तो हम वो अपने SDM साहब से रिक्वेस्ट भी अभी की कि भाई ये जो है ये होना चाहिए, बाकी काम का कोई ये नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ जितनी भी यहाँ आई उन्होंने क्लाइंट्स को धोखा ही दिया, तो उसमें जो है उनको फ़ायदा कुछ नहीं आया। LIC से फ़ायदा भी है और LIC के एक नाम भी है और गवर्नमेंट के साथ इसका रबता भी है, इसलिए लोग ज़्यादा चाहते हैं कि LIC में, मगर LIC में उसके साथ साथ उनको सर्विस भी वैसी मिलनी चाहिए, क्योंकि LIC से अगर उनका पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया फिर वो चक्कर काटें, चाहे वो फिर विश्वास जो है LIC का वो थोड़ा डगमगाट जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि LIC क्लाइंट्स को सर्विस जो है प्रॉपर मिले, और जिस तरह क्लाइंट्स LIC के साथ जुड़े हैं इस तरह वो जुड़े रहें। हमारे एजेंट भाइयों के सतत प्रयास से LIC आज ये नंबर 1 इंश्योरर है, और ख़ासकर जो श्रीनगर डिवीज़न है ये हमेशा अपना झंडा बुलंद रखता है पूरे देश में। हम सबसे पहले बजट करने वाले डिवीज़न में से थे, पहले डिवीज़न में से थे पूरी कंट्री में। अब बात यह है कि हम बड़े विषम परिस्थितियों में हम अपना कार्य करते हैं,
पॉलिसी होल्डर की बड़ी एक मेन प्रॉब्लम है कि हम पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन देते हैं, LIC पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन देती है, उसका इंटरेस्ट अभी भी हाई है। हम पर हाँ बैंकों ने तो लोन इंटरेस्ट अपना कम कर दिया है, पर हमारी जो पॉलिसीज के अगेंस्ट है अभी भी लोन इंटरेस्ट थोड़ा हाई है। आगे हमारा बैंकों से थोड़ा कम होता था, तो हम अपनी बात LIC मैनेजमेंट तक ये भी पहुँचाना चाहते हैं कि पॉलिसीज का जो इंटरेस्ट है जिसके ऊपर लोन लेता है पॉलिसी होल्डर, उसका इंटरेस्ट कम किया जाए। बाकी सेक्रेटरी जनरल सर ने और नॉर्थ जोन के हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने आपके सामने बता ही दिया, बस यही इन्हीं मिली जुली प्रॉब्लम्स के ऊपर हम यहाँ पर मंथन करते हैं और हर साल हम एनुअल कन्वेंशन करते हैं और उसी में इन सब चीज़ों के ऊपर डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद जब ये कन्वेंशन ख़त्म होगी हमारा थिंक टैंक बैठेगा और हमारा एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी होता है, एक हम मैनेजमेंट के पास अपना रेजोल्यूशन भी भेजते हैं, ये सब काम इस कन्वेंशन में। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1964 के ये संगठन की तरफ से काम करते हैं। पूरे देश भर में हमारे जो 100 के ऊपर डिवीज़न है उसमें हम लोग का पूरा फेडरेशन का काम चलता रहता है और हम लोग अभिकर्ता का जो हमारे सदस्यगण हैं उन सब के पास ये मैसेज पहुँचाते हैं। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी आज यहाँ आप देख रहे हैं, अभी आने वाले दिन में अगले महीने में जलंधर में भी होने वाला, चंडीगढ़ में, पूरे देश भर में चलता रहता है। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे ये संगठन का कार्यक्रम चलते हैं और मैनेजमेंट हमसे बराबर बात करते रहते हैं। मैनेजमेंट के साथ हम लोग मिल के अपना भी काम करते हैं और पुलिस होल्डर का भी काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट का भी काम करते हैं सब मिल।